सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अगर आप मेरी फैट टू फिट जर्नी नहीं देख रहे तो ज़रूर देखो, मिस मत करना। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, पर उसमें मैं अपनी जिम दिखाता हूँ। तो मैंने सोचा उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर ब्लॉग बना दिया जाए, क्योंकि वो जिम है दिल्ली की लार्जेस्ट जिम और हाईली इक्विप्ड जिम। वहाँ पर मोस्टली इक्विपमेंट ऐसे हैं जो बहुत ही कम इंडियन जिम्स में आपको देखने को मिलेंगे। बाहर यूएस कैनेडा में तो यूजली वो देखने को मिलते हैं। तो चलो आपको एक्सप्लोर कराता हूँ मेरी जिम और वर्कआउट करके आते हैं। हैवीएस्ट था मेरी लाइफ का डेडलिफ्ट। थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट जैसा फील हुआ, पर मैं बैठ गया था रेस्ट करने के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज थी बैक की, बाकी ऊपर जाके कंप्लीट करते हैं वर्कआउट एरिया में। सो डन विथ हैवी बैक वर्कआउट, मजा आ गया। डेडलिफ्ट से स्टार्ट करके ना बॉडी एकदम पम्प्ड अप हो जाती है, और एंड में करा ब्लास्टर बाइसेप वर्कआउट। एक ही एक्सरसाइज होती है उसके ऊपर ब्लास्टर होती है, मज़ा आ जाएगा। अगर आपको जानना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बता दूंगा। वैसे मैं मुकेश गहलोत जी का वर्कआउट फॉलो करता हूँ, क्योंकि अगर आप आजकल के बच्चे देख देख के उनका वर्कआउट देखोगे, ठीक है उन्होंने भी फिजिक बनाई है, पर मुकेश गहलोत सर है जो भाई, उन्होंने अपने अंडर कम से कम 500 बच्चा ट्रेन करा होगा और सब ने कम से कम एक एक मेडल तो जीता ही होगा। तो अगर आप एक्सपर्ट से सीखोगे ना, जिन्होंने खुद गलतियां करी, सीखा, फिर गलतियां करी, फिर सीखा, तो आपको वो गलतियां करनी ही पड़ेगी। बात वैसे ये रहा मेरे पीछे फिट लीन फिटनेस मेरा जिम। वैसे इस जिम की थोड़े से फीचर्स बता दूँ आपको कि एक फ्लोर कार्डियो सेक्शन है, ऊपर वर्कआउट सेक्शन है, जुम्बा, योगा, एरोबिक्स, MMA क्लासेस डेली होती हैं, और आप हर क्लास ले लो, चाहे फीस के इंक्लूडेड है वो। स्पा है अंदर, शॉवर है, और कैफेटेरिया है जहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे खाना मिलता है, बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे। और बस यही है। और कार्डियो के इक्विपमेंट्स आप देखोगे आसपास वाले जिम्स में ऐसा नहीं होगा जैसा यहाँ पर है सब कुछ, और बाकी सब सही है। पर्सनल लॉकर रूम है, सब कुछ है, पर्सनल ट्रेनर है, एक हफ्ते की ट्रेनिंग फ्री मिलती है, पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हो फ्री में आप। बाकी सब बढ़िया है, बहुत मस्त जिम है। हल्का फुल्का कॉस्टली ज़रूर होगा, पर एटमॉस्फेयर पर बढ़िया। और हाँ, इसका ऐप भी है एक पर्टिकुलर जिम का, जिसके अंदर आपके चेकिंग्स, कितने मेंबर हैं, कितने मेल कितने फीमेल, अभी बंदे वर्कआउट कर रहे हैं जिम में, क्योंकि सब फिंगरप्रिंट लगा के अंदर जाते हैं, तो पता लगता है कितने लोग हैं जिम में और कौन कौन सा कोच अवेलेबल है, सब कुछ, आपका डाइट चार्ट, आपका वर्कआउट प्लान सब इनके ऐप पे आ जाता है। तो बहुत ही बढ़िया जिम है इन द्वारका, और पास वाले एरिया सब आ सकते हैं, क्योंकि द्वारका मोड़ वाले मेट्रो स्टेशन से लेफ्ट लोगे आप अंदर आने के लिए, 1 किलोमीटर भी नहीं है, NSUT कॉलेज के सामने ही है, जस्ट सामने। तो ज़रूर ट्राई करना, आप घर जाके मैं पहले नहा लूँ। सो गाइस, नहा दोगे तो मैं रेडी हो चुका हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस मोरिंडा किसी काम से। और पर उससे पहले, जाने से पहले किसी को मिलने जाना रोहिणी, और उसके बाद मेरी 5 बजे की ट्रेन है, वहाँ से सीधा फिर हम रेलवे स्टेशन निकल जाएंगे। यहाँ से फुल सामान पैक कर लिया मैंने, और बस अब निकलते हैं। मेरा नहीं है ये। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। अभी एक घंटे 1.5 घंटा है मेरे ट्रेन को, जल्दी मिल के फ्री हो गया था तो जल्दी आ गया। वापस घर जाने का तो कोई ऑप्शन बचा नहीं था, अभी यहीं पर वेट करना पड़ेगा AC लाउंज में। मैं तो बैठे बैठे ही सो गया था, और ट्रेन आने वाली है बस। नहीं, मेरी ट्रेन का नंबर है 12005, आने वाली है वो बस 5-7 मिनट में, फिर बैठ के निकल लेंगे। कल से मोरिंडे वाली जिम दिखाऊंगा आपको। मतलब ये है, मतलब 10 में से 10 जिम, तो वो है 10 में से 7
6 क्योंकि मशीन्स नहीं है, वो स्पेस बड़ी है पर मशीन्स नहीं है इतनी, पर कोई बात नहीं, सब ठीक होते हैं, करने वाले बंदे होने चाहिए। सो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं चंडीगढ़। हाँ, ताज़ी ताज़ी हवा, हवा में बहुत ज़्यादा लाइटनेस है, मज़ा ही आ गया। पर सबके माँ बाप लेने आए हैं, मुझे कोई लेने नहीं आया, कैसे दुख कम होएंगे मेरे, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, खुद ही जाना पड़ेगा बेशर्म की तरह 40 किलोमीटर और दूर। सारी दुनिया को परिवार वाले लेने आए हैं, मुझे कोई लेने नहीं आया भाई। खुद का सामान भी खुली की तरह धो, घर भी खुद जाओ, बेकार है जिंदगी। सो मैं घर पहुंच चुका हूं, लेने के आना था मुझे, गेट भी नहीं खोल रहा कोई, देख लो जिंदगी है कोई, कुत्ते की जिंदगी मेरे से ज़्यादा बढ़िया है। अरे खोल दो रे भाई रे, अरे ये क्या लगा दिया जे, कुछ नया लगा घर में, आपको सुबह दिखाऊंगा। देखो हमारे घर में नए नए गुलाब लगे हैं, एक पिंक गुलाब, एक विद्या पढ़ाई का भी ले आए, अब क्या फ़ायदा, चलो अब मैं तो दोबारा पढ़ने लग गया, क्या पढ़ रहा हूँ नहीं बताऊँगा, नज़र लग जाती है, पर ये हम मस्त लग रहे हैं ना, वाह वेरी नाइस। जेरी को मिल लो, हेलो फ्रेंड, जेरी को मिल लो, 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 मिल लो मिल लो, जेरी को मिल लो, हेलो 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 हेलो, क्या हो गया, मेरा भी नहीं हुआ।